लेक्चर है 6। टॉपिक चल रहा है हमारा इनवर्स सर्कुलर फंक्शन। इससे पहले वाले लेक्चर्स में मैंने आपको कई सारे थ्योरम प्रूव कराए हैं और मैंने आपसे कहा था कि इन थ्योरम्स को हम लोग फॉर्मूले की तरह यूज करेंगे आगे। तो उसी क्रम में एक नेक्स्ट थ्योरम है, ये आपको सिद्ध करना है कि tan इनवर्स x की जो वैल्यू है वो tan इनवर्स 3x - x³ / 1 - 3x² के बराबर होती है और 3 cot इनवर्स x minus x upon 1 minus 3x square। तो पहले आप उसका रूप देखेंगे, यहाँ लिखेंगे let माना tan inverse x is equal to theta, then implies x equal to क्या हो जाएगा tan theta। एक formula होता है tan 3a, tan 3a ये होता है 3 tan a माइनस टेन क्यूब डिवाइड 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर ए। टेन थ्री का फॉर्मूला होता है 3 टेन ए माइनस टेन क्यूब डिवाइड 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर ए। यहाँ ए के स्थान पर आपको क्या लगाना है, थीटा लगाना है। क्या बनेगा, देयरफॉर टेन 3 थीटा बराबर आएगा ये 3 टेन माइनस टेन क्यू थीटा डिवाइड 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर थीटा। अच्छा टेन थीटा की जो वैल्यू है वो एक्स है, तो यहाँ टेन थीटा के स्थान पर आपको एक्स लिखना है। टेन इंप्लाइज टेन 3 थीटा इक्वल किया जाएगा आपका 3 एक्स माइनस एक्स क्यू डिवाइड 1 माइनस 3 एक्स स्क्वायर, क्योंकि टेन थीटा बराबर है किसके, एक्स। टेन थीटा की जो वैल्यू है वो एक्स के इक्वल, तो जहां टेन थीटा आ रहा है वहां आपको क्या लगाना है, एक्स लगाना है। टेन इनवर्स 3 थीटा बराबर क्या होगा, वो इज इक्वल टू टेन इनवर्स 3x माइनस डिवाइड 1 माइनस 3 एक्स स्क्वायर, टेन इंप्लाइज 3 थीटा की वैल्यू वापस करो, थीटा इक्वल टू आपने क्या माना टेन इनवर्स एक्स, तो यहाँ थीटा के स्थान पर क्या आ जाएगा टेन इनवर्स एक्स। तो 3 टेन इनवर्स एक्स ये बराबर में होगा आपका टेन इनवर्स 3 एक्स माइनस एक्स डिवाइड 1 माइनस 3 एक्स स्क्वायर, ये आपको प्रूव करना है। एक बार इस क्वेश्चन को पूरा मैं दोबारा समझा रहा हूं, आपको ध्यान देंगे। यहां पे क्वेश्चन है, आपको सिद्ध करना है 3 tan इनवर्स x बराबर आना चाहिए 3x माइनस x क्यूब अपॉन 1 माइनस 3 एक्स स्क्वायर। हमने यहां पे मान लिया tan इनवर्स x इक्वल टू थीटा, तो x इक्वल टू क्या हो गया tan थीटा, tan theta इक्वल हो गया x। एक फॉर्मूला होता है tan 3a, ये होता है 3 tan a माइनस tan cube a डिवाइड 1 माइनस 3 tan square a। देयरफॉर यहां a के स्थान पर, a के प्लेस पर आपको क्या लगाना है, theta लगाना है, तो ये बन जाएगा tan 3 theta इक्वल टू आएगा 3 tan theta माइनस tan theta डिवाइड 1 माइनस tan थीटा इक्वल टू क्या है आपका x है, तो जहां tan थीटा आ रहा है वहां आपको x लिखना है। tan 3 थीटा इक्वल टू आ जाएगा आपका 3x - x³ / 1 - 3x² तो 3 थीटा इक्वल टू क्या होगा, ये tan इनवर्स आया, tan इनवर्स 3x - x³ / 1 - 3x² ये जो थीटा लिखा हुआ है इस थीटा की वैल्यू को हम वापस करेंगे। थीटा इक्वल टू क्या है हमारा, थीटा इक्वल टू है tan इनवर्स x, तो यहां थीटा के प्लेस पर क्या लगाएंगे tan inverse x, तो ये बनेगा 3 tan inverse x equal to tan inverse 3x minus x cube divide 1 minus 3 x square, ठीक है भाई। तो आप इसे नोट कीजिए, ये बहुत अच्छा थ्योरम है फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, और इस थ्योरम को जब हम एप्लीकेशन सॉल्व करेंगे तो वहां पे डायरेक्ट यूज करेंगे फॉर्मूले की फॉर्म। करो जरा नोट इसे।
नेक्स्ट देखेंगे आप दूसरा जो सेकंड सेकंड पार्ट इसका कर्म का वो दे दिया आपने। सेकंड में हम सपोज करेंगे यहां पे और इनवर्स एक्स इक्वल टू थीटा देन इंप्लाइज एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा ये यानी cot theta is equal to x एक फॉर्मूला है ये cot 3a cot 3a का फॉर्मूला है cot cube a minus b cot a cot cube a minus 3 cot a divide 3 cot square a minus 1 cot 3 का फॉर्मूला है cot cube a minus 3 cot a divide 3 cot square a minus 1 therefore cot 3 theta यानी a के प्लेस पर आपको theta लगाना है तो ये बनेगा आपका cot cube theta minus 3 cot theta divide 3 cot square theta minus 1। अच्छा अंश में और हर में दोनों में आपको क्या करना है माइनस कॉमन लेना है अंश में से और हर में से दोनों माइनस है तो कैंसिल हो जाएगा ऊपर नीचे से माइनस कट जाएगा यानी एक माइनस आपको यहां से कॉमन लेना है तो ये प्लस का हो जाएगा और ये माइनस का हो जाएगा ऐसे ये प्लस होगा और ये माइनस हो जाएगा तो क्या बनेगा ये बन जाएगा आपका cot 3 थीटा इक्वल b cot थीटा माइनस cot cube थीटा डिवाइडेड 1 minus 3 cot square theta then implies cot 3 theta is equal to अब यहां पर देखो आप cot theta equal to क्या आपका x यहां cot theta आ रहा है वहां आपको x लिखना है तो ये बनेगा dx minus x cube divide 1 minus 3 x square then implies cot inverse 3x minus x cube divided 1 minus 3x square ठीक है और जो theta की value है theta equal to क्या suppose किया था आपने cot inverse x तो यहाँ theta के place पर क्या लगाना है cot inverse x क्या लिखा जाएगा ये 3 cot inverse x is equal to cot inverse 3x minus x cube divide 1 minus 3x square ठीक है ये आपको प्रूफ करना है इस थ्योरम के जो दोनों फॉर्मूले हैं इन दोनों फॉर्मूलों को आप ध्यान रखेंगे और अगर ये थ्योरम प्रूफ करने के लिए आ रही है यानी आपसे अगर इन फॉर्मूलों को प्रूफ करवा रहा है तो आप ठीक है भाई तो आप इन दोनों को नोट करिए और फिर मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन और बताता हूँ एक्सरसाइज 2.1 का ये क्वेश्चन नंबर सेकंड है क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है वो मुख्य मान का है उसे आप करेंगे क्या उसमें से मैंने बता भी दिए उस तरह के एग्जाम्पल बहुत सारे क्वेश्चन भी बता दिए तो सेकंड क्वेश्चन है ये कह रहा है आपसे that 2 tan inverse 1 by 2 minus tan inverse 1 by 7 आपको लाना है कि pi by 4 के इक्वल है तो इसका प्रूफ देखेंगे आप क्या लिखेंगे टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड है आपकी 2 tan inverse 1 by 2 minus tan inverse 1 by 7 एक फॉर्मूला होता है 2 tan inverse x ये फॉर्मूला
होता है tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर. 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला होता है tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर. यहां x के स्थान पर क्या है 1/2, तो यहां x है, यहां x के स्थान पर क्या है 1/2, तो आपको यहां पर 1/2 करना है. क्या बनेगा बोलो, tan इनवर्स 1/2 / 1 - 1/2 का होल स्क्वायर माइनस tan इनवर्स 1/7. सॉल्व करो अगर इसे tan इनवर्स ये से कैंसिल हो जाएगा 1/1 - 1/4 माइनस tan इनवर्स 1/7 यानी tan इनवर्स 4 को चला जाएगा 4 - 3 आ जाएगा माइनस tan इनवर्स 1/7. ये फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y के बराबर होता है किसके, tan इनवर्स x माइनस y डिवाइड 1 + xy. अब आप यहां पर देखेंगे x के प्लेस पर है 4/3 और y के प्लेस पर है 1/7, तो आपको ये सारे चीज में यहां x के स्थान पर लगाना है 4/3 और इस y के स्थान पर लगाना है आपको 1/7, फिर उसे कैलकुलेट करना है और कैलकुलेट करने के बाद क्या आना चाहिए 5/4 आना चाहिए. tan इनवर्स बोलो कितना आएगा, x के स्थान पर है 4/3 यहां पर रखना है क्योंकि आप 4/3 माइनस 1/7 डिवाइड 1 + 4/3 - 1/7 बनेगा आपका tan इनवर्स 21 से 21 कट जाएगा, 23 से 3 जाएगा तो 25 हो जाएगा और 21 और 4 ये 25 हो जाएगा. ये आ गया आपका tan इनवर्स 1 और tan में 1 वैल्यू किसकी होती है 45 यानी π/4. ये हमारे n 45 का मान होता है, आप ऐसे लिख सकते हो उसको tan इनवर्स n π/4 क्योंकि tan π/4 इक्वल टू क्या होता है 1, ये दोनों ऑड नहीं केवल क्या आएगा यहां पे π/4 ठीक है. ये दोनों tan इनवर्स है, ये tan ये π/4 है तो केवल क्या आ जाएगा π/4. ये आपकी क्या है राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड एक्सरसाइज है 2.1 आपकी बुक की और उस एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन. इस टाइप के और भी क्वेश्चन है दो तीन, उनको आप करेंगे, एग्जांपल भी है इस तरह के उनको आप करेंगे. करो शुरू करो. नेक्स्ट आप देखो ये तीसरा क्वेश्चन है, ये है tan इनवर्स 17/19 माइनस tan इनवर्स 4/3. आपको प्रूव करना है tan इनवर्स 1/7, इसका सॉल्यूशन देखिए थर्ड का.
यहाँ पर देखो आप जो x है इस x के प्लेस पर क्या है 17/19 और इस y के प्लेस पर क्या है 2/3। तो आपको x और y की वैल्यू करनी है। x के प्लेस पर लिखना आपको 17/19 माइनस y के प्लेस पर लिखना है आपको 2/3 डिवाइड 1 प्लस x के प्लेस पर है 17/19 और y के प्लेस पर है आपका tan इनवर्स। यहाँ एलसीएम आ जाएगा 19/3, 3 का लगभग कितना होगा मिल जाएगा आपका 51 माइनस 38 डिवाइड, यहाँ भी एलसीएम आएगा उन्नीस का और 3 का बड़ा कर लेंगे 57 हो जाएगा, इसका इधर मल्टीप्लाई होगा 17/24। ये दोनों आपके कैंसिल हो गए, यहां पे आया आपका 10 इनवर्स 51 में से 38 को माइनस कर दो आप 51 में से 38 माइनस करो 3 बचेगा 4 से 3 13 बचेगा, ये हो गया आपका 13 ऊपर और नीचे कितना बच रहा है 57 में 34 ऐड करना है 11 का 1 और 13 से कितनी बार कट जाएगा 7 बार। तो आपका आंसर आ गया 10/7। ये हमारी राइट हैंड साइड है, ये आपको प्रूफ करना है। एक्सरसाइज का आपका तीसरा क्वेश्चन हो गया। इसी तरह से अब आप करेंगे क्वेश्चन नंबर 4, इसको नोट करो पहले। आपको 1/5 लगाना है यहाँ पे, तो ये आ जाएगा 1/5 का वर्ग 25 हो जाएगा।
आ रहा है हमारा cos इनवर्स 63/65 प्लस cos इनवर्स 25 में से एक कम करेंगे 24 बचेगा और 25 पर एक हो जाएगा 26, ये 2 से 12 का कट जाएगा, ये 13, यानी आ जाएगा cos इनवर्स 63/65 प्लस cos इनवर्स 12/13। एक फॉर्मूला होता है cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y बराबर cos इनवर्स xy माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर 1 माइनस y स्क्वायर। ये फॉर्मूला लगा रहा है cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y बराबर होता है cos माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर इनटू 1 माइनस y स्क्वायर। अब आपको यहां देखना है x है यहां और इसमें x के स्थान पर क्या है 63/65 cos इनवर्स y, यहां y के प्लेस पर क्या है 12/13। तो आपको x और y की वैल्यू लगानी है, क्या आएगा x into y को दोनों को मल्टीप्लाई करना है, ये आएगा हमारा 63/65 × 12/13 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर, x क्या है आपका 63/65 तो 63 का स्क्वायर आएगा वन माइनस बाई स्क्वायर यानी 1 माइनस 12 का स्क्वायर हो जाएगा और नीचे 13 का स्क्वायर। मल्टीप्लाई करने के बाद
₹4 यानी कि 2 करोड़ 4 लाख बाद 25 को जाएगा 5 टोटल आ गया आपका 65,13। कैलकुलेशन आप अपने आप करना कितना बचेगा अभी ये हो गया आपका 5, 10, 10, 20, 20, 40, 40, 80 यानी 7, 5 याद रखना है और अपने फॉर्मूले के रूप में यूज करेंगे। जैसे यहाँ पर कॉस इनवर्स
इनवर्स x इक्वल टू क्या होता है साइन इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर। तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हो, अगर आपको डायरेक्ट फॉर्मूला याद नहीं तो आपको cos इनवर्स इसको पहले t मानना पड़ेगा, फिर उससे दोबारा फॉर्मूला निकालना पड़ेगा, तो आपके वहां ट्रैक है। और अगर आपको याद होगा तो डायरेक्ट लगा सकते हो।